देखिए दोस्तों, आज जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूं जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो इतने भी खुददार हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए भी अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होती, बल्कि अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों अक्सर मुझे काफी सारे लोगों की डिमांड्स आती रहती है कि भैया कुछ ऐसा बताइए जिससे हम घर बैठे प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके, जिससे हम अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 6 तरीके शेयर करने वाला हूं जिनसे आप घर बैठे अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई का तो खर्च उठा पाओगे, साथ ही कुछ सेविंग भी कर पाओगे, साथ ही अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओगे। और साथ ही दोस्तों ये सभी ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पार्ट टाइम काम करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकती हो, आपकी पढ़ाई को ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि फिलहाल जो आप कर रहे हो, फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो, आप जो स्किल सीख रहे हो उसको और ज्यादा इंप्रूव करेगा, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि आपकी नॉलेज और ज्यादा इंप्रूव होगी। तो ऐसे 6 सुपर तरीके आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है आज के इस टॉपिक में, वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। जो भी तरीका आपको अपने अकॉर्डिंग सुटेबल लगे कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूं, इससे मैं इनकम जनरेट कर सकता हूं, उसी तरीके को पकड़िए और काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों पहला तरीका है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और काफी सारे लोगों ने तो इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया है और महीने के कई लाख रुपए बना रहे हैं। तो दोस्तों वो तरीका है बिकम अ ऑनलाइन कंटेंट राइटर। आप एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर बन सकते हो, जिसको सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉगर बोलते हैं। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको मौका देते हैं, वहां से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉग स्पॉट हो गया, blogger.com हो गया। यहां पर आप अपना ब्लॉगिंग पेज क्रिएट कर सकते हो और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपके जो ब्लॉग्स है वो मोनिटाइज होंगे और आप बहुत ही अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। या फिर आप खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस की हेल्प से, जो कि आजकल बहुत ज्यादा टफ काम नहीं रह गया। यूट्यूब के ऊपर काफी सारे आपको फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, उसकी हेल्प से आप खुद की एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, जहां पर आप खुद के ब्लॉग लिख सकते हो। और दोस्तों ब्लॉग कैसे लिखने हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, मान के चलिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि करंट इवेंट्स है, तो आप करंट इवेंट से रिलेटेड डेली ब्लॉग लिख सकते हो। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल, उनसे रिलेटेड ब्लॉग लिखिए, क्योंकि उनकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी होती है, लोग उनको सर्च करते हैं। आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉगिंग पेज है, वो ऑटोमेटिकली रैंक में आएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप इनकम जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों ये तो आज एक परमानेंट प्रोफेशन बन चुका है, लोग लाखों रुपए इससे बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कैसे शुरू करें, हमने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देखिए दोस्तों, अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपको अपने एंड पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट तो मारने पड़ेंगे। तो अभी YouTube के ऊपर जाइए, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, इसके बारे में सर्च करिए, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए, गूगल करिए, ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में पढ़िए, तो सारे डाउट्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है बिकम अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, जहां पर आप वीडियो की फॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, दूसरों को अपना कंटेंट दिखा सकते हो। जो भी आपका फील्ड है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टी है, मान के चलिए जनरल अवेयरनेस में आपकी एक्सपर्टी है, वो आपको अच्छे समझ आता है, या फिर करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा पसंद है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग सकता है, तो यार उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियो की फॉर्म में कंटेंट बना सकते हो और वही कंटेंट आपका मोनेटाइज होगा, जिसके बाद आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे। और आजकल तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। YouTube के ऊपर आजकल शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट के फॉर्म में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। Instagram के ऊपर रील्स चल रही है, 1 मिनट के अंदर कंटेंट क्रिएट करिए, बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। आजकल आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप वीडियोस में अपना फेस रिवील करें, फेस दिखाएं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो और भी काफी सारे तरीके हैं जिससे आप वीडियो की फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पहले इन चीजों में ग्रोथ मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब काफी इजी हो चुका है। शॉर्ट्स की फॉर्म में अगर आप बनाओगे, बहुत ही जल्दी आप ग्रो करने लग जाओगे। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स में अगर आप कंटेंट बना रहे हो, बहुत ही जल्दी ग्रो करने लग जाओगे। यूट्यूब के ऊपर बहुत ही जल्दी आपका कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा, अच्छी खासी इनकम आपके अकाउंट्स में आना स्टार्ट हो जाएंगी। और वहीं पर
इंस्टाग्राम के ऊपर तो 15,000 फॉलोवर्स होने पर ही आपको स्पॉन्सर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक पोस्ट के 1,500, 2,000, 3,000 रुपए देने के लिए आपको तैयार होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। कॉन्टेंट आपको एक ही बनाना है, एक मिनट का, वही यूट्यूब के ऊपर जाता है, वही इंस्टाग्राम के ऊपर जाता है, वही टेलीग्राम के ऊपर जाता है, वही आपके फेसबुक पेज के ऊपर जाता है। तो जहां पर भी जगह मिले वहीं पर घुस जाइए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। भले ही आपको कंटेंट बनाने से पहले कुछ सोचना पड़े, आपको पढ़ना पड़े, खुद आपको सीखना पड़े, एक मिनट की तो बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और फिर कंटेंट क्रिएट कर दीजिए। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टी और ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तरीका नंबर थर्ड है, ये एक ऑफलाइन तरीका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ट्यूशंस की। या तो आप होम ट्यूशंस दे सकते हैं, मान के चलिए आपके आस पड़ोस में बच्चे होंगे उनको आप होम ट्यूशन दे सकते हैं, या फिर अपने घर पर बुलाकर आप ट्यूशन दे सकते हैं, जहां से आप महीने के 12,000-13,000 रुपए इजीली अर्न कर लोगे। या फिर अगर आप थोड़े से ऊपर के लेवल के हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट आपका काफी स्ट्रॉन्ग है, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कुछ भी करंट अफेयर्स, तो आपके आसपास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे छोटे या बड़े, वहां पर जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बात करिए कि भाई इस सब्जेक्ट में मेरी अच्छी खासी पकड़ है, तो इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा सकता हूं एज अ टीचर। वहां पर आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, वहां से भी आपको 15,000-20,000 पर मंथ इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो फील्ड है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये तो मैं खुद कर चुका हूं। वैसे ये सारे तरीके मैं खुद अपना चुका हूं, कॉन्टेंट क्रिएटर मैं हूं ही, आपको पता ही है, डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर हूं, वीडियो की फॉर्म में बनाता हूं, ब्लॉगिंग के फॉर्म में बनाता हूं, खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन में आपको पढ़ा चुका हूं, होम ट्यूशंस में दे चुका हूं, सब काम कर चुका हूं, हर एक जगह से मैंने इनकम निकाली है। तो ये भी एक बेटर तरीका है, आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। एक और ऑनलाइन करने का चौथा तरीका है, ज्वाइन ई-कॉमर्स एफिलिएशन प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, जो हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, मीशो हो गया, ये सारी वेबसाइट्स एक एफिलिएशन प्रोग्राम रन करती है। इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों, अमेज़न के ऊपर काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, वहां से आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक उठाया और अपने फ्रेंड को आपने उस लिंक को शेयर कर दिया, ठीक है। मान के चलिए कोई शूज है, आपको पसंद आए, आपको लगता है कि काफी लोग को ये शूज पसंद आएंगे, उसका आपने लिंक कॉपी किया, अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप, फेसबुक पे, कहीं पर भी आपने शेयर कर दिया, और उस पर्टिकुलर लिंक से आपके फ्रेंड ने उन शूज को परचेज कर लिया, तो उसका आपको 12%, 20%, 24% कमीशन आपके अकाउंट में आता है। इसको बोलते हैं एफिलिएशन, ठीक है। बैठे बिठाए ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपने अमेज़न से लिंक उठाया था, आगे आपने शेयर किया था और आपके अकाउंट में पैसा आ गया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, काफी सारे लोग तो एफिलिएशन से 2-3-4 लाख-5 लाख महीना पैसा बना रहे हैं। तो सबसे बेटर जो एफिलिएशन प्रोग्राम है वो अमेज़न का है, दूसरे नंबर पर मीशो का है, फ्लिपकार्ट भी एफिलिएशन प्रोग्राम चलाता है, और भी काफी सारी जो छोटी मड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे कि टाटा न्यू हो गई या फिर जियो का, जो भी है, ये सब भी एफिलिएशन प्रोग्राम चलाते हैं। बस आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, गूगल करिएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा कि भाई एफिलिएशन प्रोग्राम क्या होता है, और अमेज़न का तो है ही, अमेज़न का एफिलिएशन प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, सर्च करिएगा अमेज़न एफिलिएशन प्रोग्राम, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर आपको अपना अकाउंट वगैरह जनरेट करना है, सिंपली बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद हो कि इसको ज्यादातर लोग पसंद करेगा, उसका आपने लिंक उठाया और बहुत सारे आपने व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप्स है वो ज्वाइन कर रखे हैं, उन ग्रुप्स में आपको रेगुलर बेसिस पर वो सभी प्रोडक्ट्स, वो सभी लिंक आपको शेयर करने हैं, फेसबुक पेज पर लिंक शेयर करिए, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करिए, जितने भी लोग आपके लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे उसका जो कमीशन है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। और कमीशन छोटा मोटा नहीं है, 10%, 12% प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वाइज ये होता है, ठीक है। तो भाई बैठे बिठाए आपके अकाउंट में हर महीना 15,000-20,000 रुपए कहीं नहीं गए, रियली मैं बता रहा हूं। बस रेगुलर बेस पर आपको ये काम करना है, केवल शेयरिंग का काम करना है, कॉपी पेस्ट वाला काम है एक तरीके से, बस रिसर्च करिए, थोड़े से एफर्ट डालिए, दिमाग पर जोर डालिए। तरीका नंबर फिफ्थ है, और ये एक ऑफलाइन तरीका है अर्न करने का, बिकम अ ऑफलाइन कंटेंट राइटर। देखिए दोस्तों, हमारे पास में कॉलोनी में एक लड़का रहता है, काफी पॉपुलर है, काफी होशियार है पढ़ने में, तो वो एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं उसको पर्सनली जानता हूं क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर भी है। तो वो क्या करता है ना, उसके जो नोट्स हैं आज तक उसने जो प्रिपरेशन करी, उसके जो नोट्स हैं उनके एक कंपाइलेशन बना रखा है, और जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते हैं 2023 में जितने भी एग्जाम हुआ है, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालता है, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करता है, और फिर उनके कंपाइल
कलेक्शन बनाता है, फोटोकॉपी निकालता है और जो आसपास के छोटे बड़े इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनसे संपर्क करता है, उनसे बात करता है टीचर से कि ये कंपाइलेशन है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसका कॉन्टेंट वो परचेज करते हैं, फिर स्टूडेंट्स को सेल करवाते हैं और उसका कमीशन थोड़ा बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले रखते हैं, बाकी सब कुछ इसका रहता है। तो दोस्तों आपका जो फील्ड है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने जो नोट्स वगैरह बना रखे होंगे उसके ऊपर काम करिए, कंटेंट क्रिएट करिए, ठीक है, ऑफलाइन कंटेंट क्रिएट करिए और इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया ऑफलाइन कंटेंट राइटर बनने का। एक और तरीका होता है, आपके आसपास जो साइबर कैफे होंगे ना कंप्यूटर की, जिनको आप शो बोलते हो, जो कि ऑनलाइन का काम करते हैं, उनके पास आप जा सकते हो, उनसे संपर्क आपको करना पड़ेगा। मैंने भी खुद काम कर रखा है कि इनके पास ना काफी सारे स्कूल कॉलेजेस के या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर बनने के लिए आए होते हैं, फिर कंटेंट टाइपिंग के लिए आया होता है बहुत सारा, ठीक है, तो वहां से आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऐसा कंटेंट है तो मैं आपके लिए टाइप कर सकता हूँ, कंटेंट में राइट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर आपके आसपास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके टीचर से बात करिए कि मैं आपके स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट राइट कर सकता हूँ, कंपाइलेशन में बना सकता हूँ, नोट्स की कंपोजिंग वगैरह, ये मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, उनसे आप काम लेके आ सकते हैं। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है, ये मैंने खुद किया हुआ है। मैं एक पेज टाइप करने के 20 रुपए चार्ज करता था अपने टाइम पे, ये 2018 या फिर 17 की बात है। तो ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है, ठीक है, दोनों तरीके बेस्ट है। एफर्ट करिए, बाहर निकलिए, घर बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बाहर आपको निकलना पड़ेगा। फाइनली बात करते हैं एक और सिक्स ऑनलाइन अर्निंग करने के तरीके के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है चेग। बहुत बार आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, ठीक है, एक ऑथेंटिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहां पर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग सब्जेक्ट से, उनको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक है, क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे। चेग एक वेबसाइट है, ठीक है, एप्लीकेशन भी है, वहां पर अपना जो क्वेश्चन है वो रेज कर देंगे, वहां पर लिख देंगे और उसके नीचे काफी सारे लोग जो होते हैं ना वो उसका आंसर करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो जो ये सॉल्यूशन करने वाले हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एज अ डाउट सॉल्वर रजिस्टर करोगे कि जितने भी डाउट्स होंगे मैं भी उनको सॉल्व करूंगा, और जब भी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोगे तो फाइनली आपको उसके पैसे मिलेंगे। एक एक सॉल्यूशन के 100, 120, 150 रुपए आपको मिलते हैं। यहां पर हर एक स्ट्रीम आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, हर एक स्ट्रीम आपको मिल जाएगी, जिस भी स्ट्रीम से, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसका आपको अच्छी खासी समझ है, आप उस सब्जेक्ट के डाउट्स को सोल्व कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहां पर रजिस्टर कर देगा, नहीं, पहले वहां पर आपको अपनी सारी जानकारी फिल करनी होती है किस सब्जेक्ट से आप रिलेवेंट हो, उसके बाद चेक की जो टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी ईमेल के ऊपर, फोन के ऊपर, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा जो कि बहुत इजी है, वो आप क्वालिफाई कर लोगे। ये एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, मतलब क्वेश्चन आंसर आपको देने होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि चैट जीपीटी है, कोई भी क्वेश्चन है वहां से आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया और वहां पर उसका आपने रिप्लाई कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो, ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो एआई का भी इस्तेमाल करके आप पैसे अर्न कर सकते हो, तो काफी बढ़िया है। चेग प्लेटफॉर्म के बारे में एक बार सर्च करिए, काफी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, आपको काफी बढ़िया इनकम जनरेट करके देगा, महीने के 12-14 हजार रुपए कहीं नहीं गए, अच्छे से आप अर्न कर लोगे, ठीक है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जो ऑथेंटिक तरीके हैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, रियली में। तो भाई जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है, आपको सुटेबल लगता है, जिसमें आप फिट बैठते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, उस तरीके पे आप जा सकते हो। देखिए दोस्तों, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको एफर्ट तो मारने पड़ेंगे, ये बात तो तय है। तो बताइए आपको कौन सा तरीका इसमें सबसे बेस्ट लगा, अगर कोई तरीका आपको बहुत बेस्ट लग रहा हो, उसके बारे में समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जहां पर आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझा दूंगा कि भाई कैसे कैसे आपको काम करना है, कैसे कैसे आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करना है, जो भी जानकारी होगी बिंदास कमेंट करके पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इस वीडियो मैंने आपको 6 तरीके बताए, वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, और दोस्तों ये तो एक तरीके वाली वीडियो थी ऑनलाइन अर्निंग की, ऑफलाइन अर्निंग की। मैं एक ऐसे भी वीडियो प्लान कर रही हूँ जहां पर आपको एक ऐसे स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी कि जो कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देंगे, आपको फ्री बैठने नहीं देंगे, ठीक है। आपके पास सरकारी नौकरी हो या ना हो, आपके पास प्राइवेट नौकरी हो या ना हो, फिर भी आप उन स्किल्स की मदद से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होंगे, उन स्किल्स को बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा सीखना है, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।